ये सर्वविदित है कि 30 जून 2020 से देवगुरु बृहस्पति फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 20 नवंबर 2020 तक चलायमान रहने वाले होंगे। यहां गौर करने लायक बात यह है कि 30 मार्च 2020 को देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में मकर राशि स्थान में आए और शनिदेव के साथ में ही विराजमान रहे। और आप ये भी देखते हैं कि 14 मई 2020 का एक ऐसा समय अंतराल जहां देवगुरु बृहस्पति वक्रगत हुए, तो जिस समयावधि की मैं यहां चर्चा लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूं वो है 30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक का समय। किंतु इसमें दो महत्वपूर्ण पड़ाव बीच में आएंगे। एक तो है 13 सितंबर 2020 जहां देवगुरु बृहस्पति फिर से जो है मार्गी स्थितियों में आ चुके होंगे, और 23 सितंबर 2020 ऐसी तारीख रहेगी जहां केतु अपनी स्थितियों को वक्रगत आधार पर परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और राहु यहां वृषभ राशि स्थान में विराजित हो जाएंगे, यानी कि चलायमान रहेंगे। तो ऐसी स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति का जो नैसर्गिक फल है वो 23 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य और अलग तरीके से निकलकर आने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जिनको इन 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है। एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को आत्मबोध की ओर लेकर जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह से जीवन में लेकर आनी है, दूरदर्शिता किस तरह से हमको आगे लेकर चलती है, उदर संबंधी व्याधियों पर नियंत्रण किस तरह से पाना है, और वहीं जीवन में कोई ऋण लेना है तो उसके अंदर हमारा सोच का स्तर किस तरह से रहेगा, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हमको किस हिसाब से कार्य करना है और कहां फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आवश्यकता है, ये सारा ही बोध देवगुरु बृहस्पति स्वयं देते हैं। तो आप देखें कि अब 30 जून के बाद में जब फिर से मकर राशि स्थान से निकलकर मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, तो आप देखें कि भाग्येश जो है कर्क राशि के लिए भाग्येश की स्थितियां षष्ठ भाव में रहेगी, और वहीं जो है देवगुरु मूल त्रिकोणस्थ भी रहेंगे। यहां केतु और बृहस्पति ध्वज नामक स्थितियों का निर्माण करेंगे, तो प्रथमतया व्यापारिक स्तर के ऊपर आपके लिए ऋण संबंधी जो मामलात लंबे समय से परेशान करने वाले थे आपको, जब से केतु यहां अकेले विराजमान यानी कि सिक्स्थ हाउस की पोजीशन में, तो 30 मार्च के बाद का जो समय निकला वो ऋण संबंधी स्थितियों में कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियों के सबब लगातार स्थापित करता रहा। औचक रूप से परेशानियां सामने आई जिसको आपने टालने का प्रयास तो किया किंतु उसमें एक स्थायित्व नहीं था। देव गुरु बृहस्पति के फिर से मूल त्रिकोणस्थ यानी कि अपने प्रिय राशि स्थान में आते ही और स्व राशि स्थान में आते ही ऐसी समस्याओं के समाधान आपके लिए सामने रहेंगे। एक और बात, जो मन उचाट करने वाली स्थितियां कर्म क्षेत्र के अंदर बनी हुई थी, व्यापारिक जीवन में आपने शुरुआत की किंतु कुछ कर्ज की स्थितियां, फिर से एक रोटेशन की पोजीशन नहीं बन पाना, इस वजह से मन में एक नैराश्य का भाव था कि हम किस तरह से खुद के फाइनेंशियल गेन को एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यानी कि भाग्येश और जो षष्ठेश की स्थितियां हैं पांचवी दृष्टि से यहां कर्म भाव को और मंगल के राशि स्थान को देखने वाली हो जाएगी, तो आपको एक तीव्रगामी स्तर अपने व्यापारिक जीवन में फिर से मिलेगा, इस बात की संभावनाएं पूर्णतया यहां पर बनी हुई है। तो वहीं 30 जून से लेकर जो ये 13 सितंबर 2020 तक का समय अंतराल है, विदेश संबंधी कोई भी व्यापार आपका चल रहा है या फिर आप अपनी नेटिव प्लेस को छोड़कर विदेश में कार्य क्षेत्र की ओर अभी अभी कुछ वर्षों के अंतराल में ही अग्रसर हुए थे, वहां त्वरित गति से आपको निर्णय लेने की दरकार रहेगी। इच्छा शक्ति फिर से प्रबल है, इसी वजह से बिजनेस के एक्सपांशन की ओर जाया जा सकता है। न तो अभी शनिदेव की ढैया और न ही साढ़े सांति की स्थितियां, तो इसी वजह से ये फ्रेम आपके लिए एक बेहतर अप्रोच को दिखा रहा है। और वहीं जो व्यापारिक जीवन के अंदर आउटफ्लो और इनफ्लो का जो ध्यान रखना होता है, यानी कि आवक क्या है और जावक क्या है, खर्चे किस तरह से हो रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव को देखते ही जो एक तरह से राहु की स्थितियां है वहां नियंत्रण स्थापित करेंगे, और जो आपके अनर्गल खर्चे हो रहे थे वहां एक विराम देने वाली स्थितियों में आपको लेकर आएंगे। तो जब भी ऐसे लीकेज बिजनेस के अंदर रुकते हैं,
व्यक्ति विशेष अपने कार्य को और ज्यादा प्रगतिशीलता की ओर लेकर जा पाता है। व्यवस्थित स्तर ये स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए दिखाई दे रहा है, एक तो बात आप ये याद रखिएगा, और वहीं पर जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे, आप भी फ्रस्ट्रेट होकर बारंबार उनको एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ में जवाब दे रहे थे, वहां धैर्य पनप पाएगा और स्थिरता के साथ में आप निर्णय की ओर गतिमान हो पाएंगे। जब भी आप देखते हैं कि कर्क राशि के लिए सिक्स्थ हाउस में देवगुरु विराजमान हो जाते हैं, तो एक और बात निकल कर आती है यहां पे कि ये नौवीं दृष्टि से धन भाव को देखने वाले होते हैं, जिसको हम द्रव्येश भी कहते हैं, यानी कि जो लिक्विडिटी की पोजीशन है, जैसे व्यापार में आपको एक रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वही द्रव्य की स्थितियां हैं। और देव गुरु बृहस्पति ने भाग्येश होकर जब यहां द्रव्य भाव धन भाव को देखने का कार्य किया, वाणी में स्थिरता देने के साथ ही साथ में धनागमन की जो संभावनाएं अटकी हुई थी, एक व्यक्ति विशेष के साथ में आपका कार्य लंबे समय चल रहा है, आपकी उससे कहीं ना कहीं एक क्लैशेस वाली पोजीशन आई और उसने जो पूरे ही रोटेशन की पोजीशन थी उसको ब्लॉक करके रख दिया। किंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति नौवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने वाले हुए, आपके लिए रोटेशन फिर से सामने आने लगा, यानी कि आपने कहीं ना कहीं उससे एक समझाइश की उम्मीद के साथ में कार्य करना शुरू किया, उस व्यक्ति ने भी रुपया पैसा रिलीज करना शुरू किया, वहां एक रिलीफ आपके लिए बन सकती है। आंतरिक शत्रु जो आलस्य के रूप में और अज्ञात भय के रूप में आपको बारंबार परेशान कर रहा था, कामकाजी जीवन के 8 से 10 घंटे में से 4 से 5 घंटे तो सिर्फ इसी सोच के साथ में निकल रहे थे कि इन चिंताओं से कैसे पार पाया जाए, तो देव गुरु बृहस्पति उन चिंताओं पर फिर से आपके लिए एक नियंत्रण स्थापित करने वाले रहेंगे। व्यापार में एक्सपांशन के लिहाजा कोई भी ऋण आप अगर लेना चाहते हैं, उस हिसाब से भी समय को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा आप। तो वहीं राहु जो कई बार अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, बृहस्पति वहां पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करके रखेंगे, और जो आप कम्युनिकेशन के किसी भी व्यापारिक विधा के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहां पर भी आपका हस्तक्षेप एक नए स्तर के साथ में आ सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और आप ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यापारिक संबंध आपके फिर से बन सकते हैं जिसमें आपकी यूनिक वर्किंग एक्सपर्टीज है, जिसमें आपका लोहा दुनिया मानती है, लंबे समय से उस कार्य क्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी, जो ये मौका यानी कि एक लंबे समय की स्थितियों के बाद में देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ हुए, और अभी जब इस अंतराल में नीचस्थ होने के पहले जब 20 नवंबर तक मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे, और उसमें भी जो 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय है, आप कोई भी ऐसा निर्णय जो कि अपने व्यापार में यूनिक अप्रोच के साथ फिर से लेना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति आपको ऑफर दे रहा है, वहां जुड़ने का प्रयास आपको निरंतर तौर के ऊपर करना चाहिए, बेनिफिट रहेगा, यानी कि वर्किंग एक्सपर्टीज आपको बेनिफिट दे सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में फिर से तीव्रता बनी रहेगी, और कार्य क्षेत्र के अंदर हुनर की वजह से जो सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वो लंबे अंतराल तक आपके लिए एक लॉयल पोजिशन को क्रिएट करके रखने वाली है। शिक्षा संबंधी किसी भी व्यवसायिक गतिविधि के साथ में आपका चलना हो रहा है, और एक रुकावट और बाधा की वजह से आप खुद को चिंतित करते चले जा रहे थे, समाधान आपके सामने है, तकनीक के साथ में जोड़कर आप वहां बढ़ने का कार्य कर सकते हैं आसानी के साथ में, ये भी ध्यान रखें। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र है जहां एक नवीनता की आवश्यकता रहती है, आप चेंजेस की ओर जा सकते हैं, और ऋण संबंधी समाधान आपके समक्ष यहां मौजूद रहेंगे। तो वहीं अगर मैं नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करता हूं, जॉब ओरिएंटेड पोजीशंस के साथ में यहां भागदौड़ के सिरे बहुत ज्यादा स्तर के ऊपर निकल कर आएंगे, किंतु वही आपको एस्टेब्लिश करने वाले भी रहेंगे। कोई भी पर्सनल लोन लेकर आप रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस समय अंतराल को बेहद महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा। किसी भी नए ऑफर की तलाश आपको लंबे समय से थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, यहां के इस समय के अंदर यानी कि जब देव गुरु बृहस्पति पांचवी दृष्टि से दशम भाव को जब देखने वाले रहेंगे, तो आपके लिए फिर से नए ऑफर्स
एग्जीक्यूशन की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब व्यक्ति चेंज करता है और ऐसे कंटेम्प्ररी सिनेरियो के अंदर जहां कॉम्पिटिटिव अप्रोच बहुत ज्यादा है, तो उसके मन में भय एक ही रहता है कि कहीं मुझे अपने आर्थिक स्तर के ऊपर, कहीं मुझे अपने वर्किंग अकाउंटेबिलिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना होगा। और वो कॉम्प्रोमाइज आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोणस्थ होकर, षष्ठ भाव में विराजित होकर, और वो भी कर्म भाव पर दृष्टि निक्षेपण की वजह से, व्यय और धन पर दृष्टि निक्षेपण की वजह से ऐसे किसी भी समझौते की ओर जाने वाली स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। ये आप ध्यान रखिएगा। भाग्य में संघर्ष हो सकते हैं क्योंकि भाग्येश षष्ठ भाव के भीतर है, किंतु कर्म की उजास आपको निरंतर गतिमान करने वाली रहेगी। और ये भी हम पूर्णतया यहां पर ध्यान रखकर चलें कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान करने वाली नहीं हो। उदर संबंधी व्याधियां आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उसी वजह से आप अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, अनुशासित होकर अपनी जीवनचर्या का पालन करते चले जाएं, तो यहां बेहतरी रहेगी। नौकरी में जो भी अज्ञात भय बने हुए हैं या फिर जो भी हम नेगेटिविटी सुनते हैं उसके साथ खुद को भी जोड़ लेते हैं, उन सब से दूर हटकर आप खुद को एक अच्छी पोजीशन की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे, ये तो एक बात है। वहीं नौकरी और व्यापार के अलावा अगर मैं गृहस्थ जीवन की चर्चा करता हूं, तो यहां इस समय में सप्तमेश सप्तम भाव में ही रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति जब षष्ठ भाव के भीतर विराजित हों और कोई भी ऐसे सेपरेशन आदि की पोजीशन आ चुकी हो या दूर रहने की पोजीशन हो, एक तरह से आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन में हस्बैंड और वाइफ बहुत दूरी के साथ में रह रहे हैं, दोनों ही एक जगह जुड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित कर रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं जैसा स्वास्थ्य में मैंने आपको बताया कि उदर संबंधी व्याधियां भले ही नौकरी पेशा जीवन या व्यापारिक जीवन वहां परेशान कर सकती है, आंतों संबंधित रोग का और विशेष तौर पर अगर आप मोटापे संबंधित स्थितियों के साथ में ग्रसित रहे हैं, तो यहां वजन और नहीं बढ़े इस बारे में आपको ख्याल रखने की दरकार रहेगी, क्योंकि कर्म में भी देवगुरु बृहस्पति स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देते हैं। बहुत ज्यादा चलायमान होने वाली पोजीशंस जो है, जिसको हम भागदौड़ कहते हैं, वो शारीरिक स्तर के ऊपर नहीं निकल कर आती, मानसिक स्तर पर ज्यादा निकल कर आती है। तो यहां पर आपको शारीरिक स्तर पर वजन संबंधी स्थितियों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहने वाली है, इस बात को स्मृतियों में आप रख कर चलिएगा। और शत्रुवत स्थितियों की मैंने चर्चा की, उसके बाद में आध्यात्मिक चिंतन की अगर मैं बात करता हूं, जिस आध्यात्मिक चिंतन के साथ में गतिमान होकर आप निरंतर बढ़ रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक तरह से थोड़ी सी कमी आ सकती है। अनुभव धोखा दे सकते हैं, कई बार व्यक्ति पूर्णतया अनुभव के साथ में ही चलने वाला होता है, यहां अनुभव आपको धोखा देने वाले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास न करें। विदेश संबंधी शिक्षा की ओर अगर आप अग्रसर हैं, देखें पंचम शिक्षा, पंचमात पंचम उच्च शिक्षा के अधिपति सिक्स हाउस में और द्वादश भाव को देखने वाले हो गए, ऐसी स्थितियों में आपके लिए हायर एजुकेशन की पोजीशन में एक अलग एक्सेप्टेबिलिटी निकल कर आ सकती है। और वहीं अगर मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में बात करूं, अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी अपने उच्च शिक्षा के साथ में सक्रिय होना चाहते हैं, उस के भी मौके आपके समक्ष मौजूद रहने वाले रहेंगे, इसमें कहीं पर भी कोई दोराय वाली स्थितियां नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की जहां का कारकत्व देवगुरु के पास में होता है, वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य बना रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में जहां पर भी आपके लिए कोई पशुपेश की स्थितियां आ चुकी थी, वहां पर भी एक जुड़ाव स्थित है। और ये भी ध्यान रखने का प्रयास आपको पूर्णतया करके चलना चाहिए कि अगर हम किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जो सीजनल पोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो, वहां पर भी बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आ सकता है आप। तो वहीं पर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी स्वयं के हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहेंगे, उस हिसाब से भी यह समय उत्तम परिणाम आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा, ये एक स्पेसिफिक अप्रोच यहां दिखाई दे रही है आपके लिए। तो वहीं पंचम का कारकत्व भी देवगुरु के पास में होता है, तो आप ये देखें कि यहां से दोबारा का संबंध स्थापित रहने वाला रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जो क्लैशेस आ
रखी थी, उनकी शिक्षा को लेकर जो व्यवधान और उनके भविष्य को लेकर जो संशय बारंबार परेशान कर रहे थे, जिसमें एक इनिशिएटिव जो वे होता है, यानी कि जहां से व्यक्ति इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ता है, इनिशियल वे की जो पोजिशन रहती है, वहां आपके लिए एक क्लैरिटी संतान पक्ष की ओर से आ सकती है। जिन भी महिलाओं ने कंसीव किया हुआ, यानी कि अपने फैमिली वे की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि खान पान के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके ही आगे बढ़ा जाए तो अति उत्तम स्थितियां रहेंगी। यहां आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, बहुत ज्यादा तीव्रता दिखाने से बचिएगा आप, ये तो एक बात है। और वहीं पर जो बिजनेस में और जॉब की पोजीशंस के अंदर टाइम लाइन को कैलकुलेट करते हुए जो कमिटमेंट करने होते हैं, उसमें आप 30 जून से लेकर 23 सितंबर 2020 तक के समयावधि को बहुत ज्यादा बेहतर मानकर चलने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप पूर्णतया स्मृतियों में अक्षुण करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, ये एक स्थिति। तो वहीं भाग्येश स्वयं जो है षष्ठ भाव के भीतर है, तो भाग्य के साथ में संघर्ष यहां पूर्णतया आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। कर्म के साथ में इनका दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है, तो यही वजह है कि आपकी आजीविका के जो साधन है वो चलते चले जाएंगे और कुछ नए प्रोसेस भी डेवलप हो सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर भी किसी कामकाज की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी समय को बहुत ज्यादा बेहतर मानकर हमें चलना चाहिए, ये भी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन यहां दिखाई देती है। एकादश का कारकत्व भी देवगुरु के पास में ही हो जाता है, ऐसे स्तर आधार पर 6-8 का संबंध रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आपके लिए दिखाई दे सकती है, यानी कि जो जीवन के सारे ही लाभ होते हैं और जो सुखी और संपन्नता के साथ में व्यक्ति को लेकर जाने वाले होते हैं, वहां एक नेगेटिविटी की पोजीशन आपके लिए बन सकती है, थोड़ी बहुत कमी पेशी जिसको हम कहते हैं वो यहां रह सकती है आपके लिए, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों की मैंने आपसे चर्चा की, तो वहीं अज्ञात भय पर भी नियंत्रण और साथ ही साथ में अगर भाइयों और मित्रों के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, पेपर क्लियर अप्रोच के साथ चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो यह था देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि के लिए 29 जून से लेकर 20 नवंबर तक के समय अंतराल में मूल त्रिकोणस्थ राशि संचरण कि किस किस तरह की प्रवृत्तियां आपके सामने अग्रसर रहने वाली रहेगी। यहां इस समय अंतराल में आपको लगभग समय अंतराल में, जिसमें श्रावण महीना भी रहेगा, आप शिव उपासना और आराधना जरूर करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार जलाभिषेक आपको निरंतर तौर के ऊपर करना चाहिए, जिससे कि इस समय और श्रेष्ठ परिणामों को निक्षेपित करने वाला रहेगा। भावनाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके कर्मशील आपको रहना चाहिए। ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हम हाजिर होते रहेंगे। आभार और धन्यवाद।